हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग सराफा बाजार दमोह। दमोह में कांग्रेस के कार्यकारी जिलाध्यक्ष संजय चौरसिया के ऊपर हमला हुआ है और चौरसिया को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हमले का आरोप एक वर्ग विशेष के 20 से 25 लोगों पर है। दरअसल विवाद एक मामूली एक्सीडेंट के बाद हुआ। मामले के मुताबिक संजय चौरसिया अपने कुछ साथियों के साथ शहर के विंध्यवासिनी मंदिर दर्शन करने गए थे। दर्शन के बाद वो बाहर निकले और अपनी कार में सवार हो रहे थे। इसी बीच एक युवक बाइक से पीछे से टकरा गया। मामूली कहासुनी के बाद बाइक सवार युवक चला गया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां एक वर्ग के 20 से 25 लोग जमा हो गए और चौरसिया जी के साथ मारपीट की। इस हमले में कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष संजय चौरसिया को सिर में गंभीर चोट के साथ कई जख्म बने हैं। उन्हें दमोह के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमले की खबर के बाद जिला अस्पताल पहुंचे समर्थकों और कांग्रेस नेताओं ने पुलिस के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। वहीं कोतवाली पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए हमले के आरोपियों में से 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच कर रही है। हम लोग 3-4 हमारे जो मित्र हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट भी हैं, एक पंडित जी हैं, वो आए थे। तो हम लोग एक पुराने थाने पर साथ में बैठे थे। उन्होंने कहा कि भाई विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ है, हमको जाना है। उनके किसके यहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि वो राजेश वर्मा है, उनके यहाँ जाना है। तो हम लोग वहाँ हम जाते ही रहते हैं, वहाँ पर माता के दरबार में जाते ही रहते हैं। तो 3:30 बजे का समय होगा तो अपनी चला पट खोल गए हैं अपन। चलो अपन भी दर्शन कर लेंगे, इनको भी एड्रेस बता देंगे। तो गए हम लोग, अपन ने दर्शन किए, चाय आए, पी, वहाँ से लौटने लगे। तो 2-व्हीलर से हम अपना ऐसा टर्न हो रहे थे तो हमारा बैक पोर्शन था, यानी हम पीछे से कोई लड़का आ रहा था बहुत तेज़ी से। 17-18-19 साल का लड़का है, उसका फन्नान करके नाम बताया उन लोगों ने। तो हमारी गाड़ी के पास आते आते तक वो मतलब अनबैलेंस होकर गिरा। तो उसको इधर हाथ हाथ में चोट भी आई। उसने एकदम गाड़ी खड़ी की और एकदम से खड़ा होके उसने हम तो पीछे थे उसके, उसने पीछे से हमें हाथ मारा इधर साइड से। तो हमारा चश्मा नीचे गिरा, तो एकदम से पलट के हमने देखा कि यार ये क्या है, कौन है। तो हमारे साथ में जो 1-2 लोग थे तो उनने सब मतलब बीच बचाव किया। तो उसने वहीं गाड़ी खड़ी की और बस धमकी दे के दौड़ा वो साइड से। वो विंध्यवासिनी माता का जो मंदिर है उसके पीछे से गली है, तो दौड़ के गया। और बस हम लोग समझ ही नहीं पाए, 10-25-30-40 लोग, कोई मतलब जैसे बर्छी लेके, छुरी लेके, गुप्ती लेके, राड लेके, लठ लेके, 25-40 लोग एकदम से टूटे। तो हम हालांकि हमें समझ में आ गया था कि ये मतलब इस तरीके का मोहल्ला है यहाँ पे, सामूहिक रूप से आजकल जो सिस्टम चल रहा है एकदम से इकट्ठे होके किसी भी व्यक्ति के ऊपर हमला टाइप का कर देना एकदम से बिना वजह के, कोई सोचना नहीं समझना नहीं। तो हम वहीं राजेश वर्मा के यहाँ से हम दौड़े, तो हमने वहाँ से 2 स्टूल थे प्लास्टिक के, फाइबर के, 2 एक ऊपर एक थे। तो हम निकल के बाहर आ गए। फिर वो मतलब सामने से उनने घेर लिया 10-25 लोगों ने, तो लगे 10-25 बार किए उनने। हम छेड़ते रहे उसको, लेकिन कहीं से अब नज़र चूक गई। तो 10-25 लोग इकट्ठे अटैक करें तो एक ना एक, एक इधर आके हमको अब कोई लाठी है या राड है जो भी सिर पे हमें पड़ा, तो वो सामने से सीधे से तो एकदम मतलब चक्कर टाइप भी आ गए और काला काला छाया, हम गिर गए। और फिर बहुत और भी बीच बचाव के लिए और भी हिंदू परिवार के लोग भी वहाँ आ गए एकदम से। यानी उनने तो इस तरीके से इंटेंस ले ली, इस तरीके हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है ना, हम उनको कोई क्यों जानते हैं। ये कोई फरीद करके लड़का है, वो फन्नान करके लड़का है, वो वहीं पीछे रहते हैं वो लोग। और आए दिन हम उन लोगों को वाच भी करते रहते, देखते रहते थे। हमारा वहाँ उस दिवाले पे आना जाना 1.5-2 साल से है कि हम लोग शाम के शाम वहाँ जाते हैं, अपनी आरती करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं।
कोई पुरानी बातचीत है, कोई हम तो कोई मतलब ही नहीं है। वो एक लड़का 25-26 साल का है, एक 17-18 साल का है, हम 55 साल के हैं, तो हमारा कोई उनसे कोई लेना ही देना नहीं है किसी स्तर पे। वो हमारा कोई मुलाकात नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई रंजिश नहीं, हमको उनसे क्या लेना देना। 25-30 लोगों से आप सब कितने लोगों को पहचान पाएंगे? हम 5-6 लोगों को पहचान जाएंगे। वो फरीद करके है लड़का, वो फन्नान करके है, वो दोनों भाई हैं। वहीं से एकदम भीड़ आई और हम लोग मतलब संभल ही नहीं पाए। संजय चौरसिया हैं हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष। वो आज एक दिवाला जा रहे थे, दिवाला यानी अपनी भाषा में मंदिर, सुबह नगर में राजेश बर्मन का दिवाला है। पटियागढ़ से पंडित जी आए थे, धार्मिक प्रवृत्ति का तो है ही संजय, तो उनके साथ वो वहाँ जा रहे थे। तो दिवाला के दर्शन करके जब वो लौटने लगे तो उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल को टर्न अप किया। मोटरसाइकिल जैसे ही टर्न अप की तो कुछ युवा लड़के आए और उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल से बहस कर बढ़ा दी, और वो लड़का मोटरसाइकिल इतनी तेज चला रहा था कि लहराता हुआ गिर गया। तो संजय ने तो अपनी समझाइश दी है सीनियरिटी के नाते कि तुम नौ युवा लोग कैसी मोटरसाइकिलें चलाते हो और ठीक से चलना चाहिए तुम्हें। ये बात उसको बुरी लग गई तो उसने संजय के साथ हाथापाई और देश अपने बल्ला होता ना बेसबॉल वाला, उससे मारा पीटी चालू कर। अब होता ये है कि कुछ ही मिनटों में, दो ही मिनट में, जब तक संजय अपना बचाव करने तो 10-20 लड़के और आ गए जो कि बहुत मारा पीटी टाइप की करने लगे। तो वहाँ जो स्टील वगैरह रखे थे प्लास्टिक के, तो संजय ने अपने आप को काफ़ी बचाव किया, नहीं तो आज बहुत बड़ी घटना हो जाती। घटना तो हुई है, सिर में काफ़ी चोट है, डॉक्टरों ने इलाज कर रहे हैं और संजय अभी भूत चाल रहे हैं, लेकिन अभी 72 तो देखना पड़ेगा। 72 अब डॉक्टर जो सलाह देंगे उस हिसाब से इलाज चलेगा। तो कुछ कार्रवाई के लिए कांग्रेस? हाँ, अभी हमने TI महोदय पांडे जी से बात की थी, वो यहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हमने जो मुख्य 5 अपराधी हैं जो संजय ने पहचाने हैं बताए, उनको बोले हमने गिरफ्तार कर लिया है। तो और उनको गिरफ्तारी करने के बाद में पुलिस अपने फुल एक्शन में है और वो गिरफ्तार हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि पुलिस अपना कार्य कर रही है। ये हमला नहीं, एक्चुअली क्या हुआ, ये संजय चौरसिया जी जो है ये बिंदवासिनी मंदिर गए थे, बिंदवासिनी मंदिर के सामने देवी जी के सामने खड़े थे, एक मोटरसाइकिल फरनाड है और फरीद, ये दो मोटरसाइकिल से निकले, तो उसमें थोड़ा सा टच हो गया, तो उस बात पे वाद विवाद हुआ। इस बात पे से संजय चौरसिया को मारपीट उसने कर दिया, सिर में चोट लगी है, जिनमें तत्काल हम मौके पर पहुंच गए थे। आरोपियों को सभी को पकड़ लिया गया है, थाने ले आए हैं और उनको मुलाजा करवा के मुकदमा कर। ग्रो बना के हमला किया गया? नहीं, वो वहाँ 40वां चल रहा था उनके यहाँ, 40वां उसके यहाँ, तो वो 4-5-6 लोग थे, 5-6 लोग आ गए थे, तो उन पर सबको ले आए आरोपियों को। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहाँ पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, टॉवल, गाउन, सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें, कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स, बड़ी देवी मंदिर रोड, ओवरब्रिज के पास दमोह, एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों की उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास, सरकारी अस्पताल चौक, दमोह।